हुए थे भारत के विभिन्न हिस्सों में, तो आज हम उसी तरह से पढ़ेंगे कि भारत के विभिन्न हिस्सों में किन किन हिस्सों में किसान आंदोलन हुए थे। तो हमने पढ़ा कि अंग्रेज आते हैं भारत में और व्यापारी कंपनी की स्थापना करते हैं, व्यापार करते हैं, फिर धीरे धीरे उनका व्यापार पर से ध्यान हट जाता है और भारत पर वो कब्जा जमा लेते हैं और धीरे धीरे भारत के सब क्षेत्रों पर वो कब्जा जमाते जाते हैं और वो अपना पॉलिसी लाते हैं, जैसे किसानों के लिए भूमि पर कर लगाना, ये सब पॉलिसी लाते हैं, रैतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, ये सब हमने पढ़ा था। तो अंग्रेजों का महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाता है कि भारत के क्षेत्रों पर वो पूरी तरह से अपना कब्जा जमा ले, और जब वो भारत के जनजातीय क्षेत्रों पर पहुँचते हैं तो वहाँ से ट्राइबल लोग जो हैं वो विद्रोह करते हैं, जिसको हमने जनजातीय विद्रोह के नाम से पढ़ा था। और अब जानेंगे कि किसान विद्रोह कहाँ कहाँ पे हुए थे और किस किस क्षेत्रों में हुए थे, तो इसको हम लोग इंडिया के मैप पे एक बार समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा भारत का मैप है और यहाँ पे गुजरात वाले हिस्से में हुआ था बिजौलिया, खेरा और बारदोली विद्रोह। गुजरात, भारत के गुजरात राज्य में हुआ था बिजौलिया, खेरा और बारदोली विद्रोह। फिर महाराष्ट्र में हम लोग देखते हैं दक्कन और वर्ली विद्रोह हुआ था। महाराष्ट्र में दक्कन और वर्ली विद्रोह किसानों के द्वारा किया गया था। तेलंगाना में तेलंगाना आंदोलन किया गया था। केरल में मोपला, पुनप्पा और वायलार विद्रोह किया गया था। फिर जो है यूपी में एका विद्रोह, बिहार में चंपारण और बिहार के दरभंगा में चंपारण विद्रोह हुआ था। और नील जो है वो बंगाल में होता है, तो चंपारण और नील एक ही चीज़ के लिए होता है, नील की खेती के लिए, लेकिन चंपारण विद्रोह जो है वो बिहार के दरभंगा में होता है और नील विद्रोह जो है वो बंगाल में होता है। तो ये दोनों अलग अलग हैं। बिहार में चंपारण विद्रोह हुआ था दरभंगा, बिहार के दरभंगा में, और बंगाल में हुआ था नील, पावना, खैरजी और तेभागा विद्रोह। तो ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले प्रमुख किसान आंदोलन थे, जो कि भारत के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में हुए थे अंग्रेजों के विरोध में किसानों ने प्रदर्शन किया था और किसानों द्वारा आंदोलन किया गया था। तो चलिए अब हम लोग इसको चार्ट में पढ़ते हैं, आंदोलन वर्ष, इसके प्रमुख नेता और कुछ प्रमुख बिंदुएं। तो चलिए शुरू करते हैं। एका आंदोलन हुआ था 1921 से 1922 ईस्वी के बीच में। मदारी पासी सहरेब, इसके प्रमुख नेता थे मदारी पासी सहरेब। और अत्यधिक लगान और किसानों का खेत छीनना, किसानों से अत्यधिक लगान वसूला जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा और किसानों के खेत छीन लिए गए थे, जिसके विरोध में किसान, अंग्रेजों के विरुद्ध किसान आंदोलन छेड़ देते हैं। एका आंदोलन इसका नाम था और इसके प्रमुख नेता मदारी पासी सहरेब थे और 1921-22 में यह आंदोलन छिड़ा था अंग्रेजों के विरुद्ध। और अब देखते हैं चंपारण विद्रोह। यह बहुत ही प्रमुख विद्रोह रहा चंपारण विद्रोह, भारत का एक बहुत प्रमुख किसान विद्रोह था। इसके नेता थे गांधी जी, महात्मा गांधी इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे और यह 1917 में लड़ा गया था। 3 कठिया प्रणाली और 3/20 के विरोध में यह आंदोलन जो है 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध में लड़ा गया था। 3 कठिया प्रणाली अंग्रेजों द्वारा लगाई गई एक टैक्स था किसानों पे, जिससे किसानों को 3 हिस्सा और अंग्रेज 20 हिस्सा ले लेते थे 3 कठिया प्रणाली में। तो इसके विरोध में चंपारण में सत्याग्रह होता है। गांधी जी के नेतृत्व में किसान जो है अंग्रेजों का विरोध करते हैं। ये बहुत ही सर्वप्रमुख आंदोलन रहा भारत में। उसके बाद देखते हैं नील आंदोलन हुआ था 1859 से 1860 में, और दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसके प्रमुख नेता थे। नील आंदोलन होता है, ये बंगाल में हुआ था। नील उत्पाद किसान जो है वो कृषि करने के लिए किसानों की भूमि पर कुछ हिस्सों पर नील का उत्पादन जो है कंपलसरी कर देते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि वहाँ की भूमि बंजर होने लगती है, क्योंकि नील होने के बाद वहाँ की भूमि पर कोई दूसरी चीज़ नहीं उपजाई जाती थी।
तो नील उत्पादों द्वारा किसान बहुत परेशान थे क्योंकि उनकी भूमि बंजर हो जाती थी। तो इसके विरोध में किसान जो है वो आंदोलन करते हैं, नील आंदोलन। और इसके नेता दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास थे, हिंदू पैट्रियार्क हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई पत्रिका थी वो बहुत फेमस हुई। इसमें नील आंदोलन के बारे में दिया गया था। नील दर्पण, नील दर्पण दीन बंधु मित्र द्वारा लिखी गई पत्रिका थी जिसमें इन्होंने नील के बारे में डीपली से बताया था और इस आंदोलन के बारे में भी इस पे चर्चा की गई है। नील दर्पण दीन बंधु मित्र द्वारा लिखी गई और हरिश्चंद्र हिंदू पैट्रियार्क हरिश्चंद्र द्वारा। उसके बाद देखते हैं पावना विद्रोह। पावना विद्रोह हुआ था 1873 से 1876 में पावना विद्रोह होता है और इसके प्रमुख नेता थे भवन सिंह। प्रमुख नेता भवन सिंह थे और पावना जिला लगान के विरोध में यह होता है। पावना जिला में और ये होता है पावना जिला में बंगाल के पावना, नील पावना तिभागा और फैरजी, ये चारों जो है बंगाल के विरोध आंदोलन थे। नील बंगाल का, पावना बंगाल का, तिभागा बंगाल का। तो पावना होता है भवन सिंह के नेतृत्व में पावना जिला, बंगाल के पावना जिला में लगान वसूला जा रहा था जिसके विद्रोह में किसान जो है आंदोलन करते हैं ब्रिटिश के खिलाफ। 2/3 हिस्सा किसानों तथा 1/3 जमींदारों का हो जाता था और बाकी हिस्सा जो है वो अंग्रेज ले लेते थे। तो इसके विरोध में किसानों ने आंदोलन किया था और पावना 1946 में होता है। ये भी सेम था, ये सब लगान की वजह से हो रहा था। किसानों पर अत्यधिक लगान दे दिया जाता था, कुछ हिस्सा किसानों और कुछ हिस्सा जमींदारों को मिलता था और सारा हिस्सा, आधा से ज्यादा हिस्सा अंग्रेज ले लेते थे। तो इसके विद्रोह में किसानों ने आंदोलन किया था। तो नील पावना तिभागा ये बंगाल के प्रमुख विद्रोह थे। और अब देखते हैं हम लोग तेलंगाना विद्रोह 1946 से 1951। यह एकमात्र प्रमुख विद्रोह रहा जो कि भारत की आज़ादी के पहले शुरू होता है और भारत की आज़ादी के बाद तक स्टार्ट रहता है। तो तेलंगाना आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बड़े दाम विरोध यह हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण वस्तुओं का दाम बढ़ रहा था जिससे किसान परेशान हो गए थे और आक्रोशित हो गए थे, जिसके लिए यह आंदोलन होता है तेलंगाना आंदोलन जो कि आज़ादी के पहले शुरू होता है और आज़ादी के बाद तक वो स्टार्ट रहता है, आरंभ रहता है। मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह हुआ था केरल में मोपना वायलार पोनप्पा, मोपरा वायलार और पोनप्पा, ये तीनों विद्रोह केरल के हैं। 1941 में अली मुसलियार इसके प्रमुख नेता थे। मुस्लिम किसानों द्वारा हिंदू जमींदारों के विरोध में, मुस्लिम किसान यहाँ हिंदू जमींदारों का विरोध कर रहे थे जिसके विद्रोह में यह विद्रोह होता है। किसान एवं मजदूरों का संघर्ष, इसमें किसान और मजदूर एक दूसरे से संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। तेलंगाना विद्रोह में किसान और मजदूर एक दूसरे से संघर्ष करेंगे और अलंगी जिले में यह हुआ था। तो मोपला, तेलंगाना, तिभागा ये तीनों थे केरल के। और तेलंगाना विद्रोह हमने देखा, तेलंगाना विद्रोह क्यों हुआ था ये भी देखा हमने। और मोपला पोनप्पा वायलार जो है वो मुस्लिम किसानों द्वारा हिंदुओं के बीच में लड़ा जा, मुस्लिम किसान और हिंदू किसानों के बीच में जमींदारों के विरुद्ध लड़ा जा रहा था। अब देखते हैं हम लोग दक्कन और वर्ली विद्रोह। दक्कन और वर्ली विद्रोह महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में होता है। यहाँ पे हमने देखा मैप पे दक्कन और वर्ली विद्रोह महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में होता है। 1875 से 1945 के बीच में पुणे अहमदनगर में साहूकारों के विरोध में, और यह जो होता है पुणे अहमदनगर में साहूकार किसान पर अत्याचार कर रहे थे जिसके विरोध में यह विद्रोह होता है, दक्कन वर्ली विद्रोह। उसके बाद देखिए हम लोग खेड़ा 1918 में होता है और यह होता है गुजरात में, बिजौलिया खेला खेड़ा और बारदोली, बिजौलिया खेड़ा बारदोली ये तीनों किसान आंदोलन गुजरात में लड़े, गुजरात में होते हैं। और इसके सर्वप्रमुख नेता थे वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपने पढ़ा होगा और वल्लभ भाई पटेल इस आंदोलन के सर्वप्रमुख किसान नेता थे। खेड़ा, बारदोली और बिजौलिया। खेड़ा होता है 1918 में, बारदोली होता है 1928 में और बिजौलिया होता है 1905 से 1913 में। और फसल नष्ट होने के बावजूद लगान वसूल, फसल नष्ट हो गए थे किसानों के,
फसल किसानों के नष्ट हो गए थे, अकाल की स्थिति बनी हुई थी, अकाल आ भी चुका था, बहुत सारे किसान मारे जा चुके थे भूख के कारण, और फिर भी लगान वसूल किया जा रहा था किसानों से। किसान आक्रोशित थे, फसल नष्ट हो गई तो किसान कहाँ से लगान देंगे। लेकिन अंग्रेजों ने उनकी एक ना सुनी, तो इसके विरोध में खेड़ा, बारदोली और बिजौलिया में आंदोलन होता है। लगान की वृद्धि, लगान में भी वृद्धि की जाती है, लगान यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है और लगान वसूला जाता है किसानों से। किसान मर रहे थे, इससे अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके विरोध में किसान आंदोलन करते हैं, खेड़ा, बारदोली और बिजौलिया में आंदोलन करते हैं, और ये तीनों गुजरात के क्षेत्र थे। तो चलिए एक बार फिर पढ़ लेते हैं हम लोग। एका हुआ था, एका कहाँ पे हुआ था? यूपी में। एका यूपी में मदारी पारसी सहरेब के नेतृत्व में होता है। अत्यधिक लगान और खेत छीनना इसका सर्वप्रमुख कारण था। 1921-22 में यह आंदोलन होता है। चंपारण होता है, चंपारण कहाँ पे होता है? बिहार के दरभंगा में, और नील जो है वो बंगाल में होता है। ये दोनों नील की खेती के लिए ही लड़े गए थे, लेकिन ये दोनों कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि ये दोनों एक ही आंदोलन थे, लेकिन एक नहीं थे। चंपारण जो है वो बिहार का था और नील जो है वो बंगाल का था, और ये दोनों का एक ही पर्पस था, नील की खेती। तो ये गांधी जी के लिए लड़ा जाता है, और दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास इसके प्रमुख नेता थे। और पावना तिभागा होता है पावना तिभागा हमारा बंगाल का है, नील पावना तिभागा बंगाल वाले क्षेत्र में होता है। तेलंगाना एक ऐसा था जो कि आजादी के पहले शुरू हुआ था और आजादी के बाद तक चलता है। मोपला, पुनाबा, वायलार, ये हमारा केरल का सर्वप्रमुख आंदोलन रहा, किसान आंदोलन। खेड़ा बारदोली और बिजौलिया, ये हमारा गुजरात का सर्वप्रमुख किसान आंदोलन रहा। और ये सब जो है क्यों हुआ था? क्योंकि अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे किसानों पर, मनमाना लगान वसूल करते थे किसानों से। किसान के पास अगर फसल नष्ट भी हो जाता था तो वो किसानों को माफ नहीं करते थे, लगान लेकर ही रहते थे। तो धीरे धीरे किसानों में भी आक्रोश होता जा रहा था, जिसके चलते किसान जो है भड़क जाते हैं और किसान आंदोलन जगह जगह पर शुरू हो जाता है। और इसको हमने मैप में भी देखा। एक नोट, बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 में लाया गया था, और बकास कृषि आंदोलन बिहार में हुआ था 1946-47 में। तो ये सर्वप्रमुख किसान आंदोलन थे जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध किसान लड़ते हैं भारत में। और हमने अपना जनजातीय आंदोलन भी पढ़ा, तो जनजातीय आंदोलन भी इसी तरह का था। अंग्रेज उनके क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और उनसे मनमाना लगान वसूलते हैं, उनके क्षेत्र को हड़पने की कोशिश करते हैं। तो जनजातीय आंदोलन ट्राइबल रिवॉल्यूशन होता है, रिवॉल्ट होता है, और उसके बाद किसान आंदोलन भी हमने पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो ये वीडियो हमारा छोटा सा यहीं पे ख़त्म होता है, और इसको एक दो बार रिवाइज कीजिएगा और पिछले की वीडियो को देखते रहिएगा। तो हिस्ट्री में क्या होता है, हिस्ट्री अगर आप शुरू से पढ़ते हैं तभी समझ में आता है। अगर बीच में कोई भी पढ़ना स्टार्ट करता है तो हिस्ट्री को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम एनिशियंट से पढ़ेंगे, एनिशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न, तो हमें ये कॉन्सेप्ट बेसिक अच्छे से समझ में आता है। इसलिए अगर आपको मॉडर्न शुरू करना है तो मॉडर्न को शुरू से देखिए, उत्तर मुगल काल के बाद से पढ़ना स्टार्टिंग कीजिए, तो ये अच्छे से समझ में आता है। हिस्ट्री को अगर क्रम से पढ़ेंगे तभी वो समझ में आएगा, अगर बीच में उठा के पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आता है बिल्कुल भी। इसलिए हिस्ट्री पढ़ना है और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं हिस्ट्री में। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और अच्छे से समझना है तो उसको स्टार्टिंग से शुरू करना चाहिए। मॉडर्न पढ़ना है तो मॉडर्न को एकदम उत्तर मुगल काल से स्टार्टिंग करेंगे, यूरोपीय कंपनियों के आगमन से, बंगाल विजय, मैसूर विजय, आंग्ल सिख युद्ध, ये सारा अगर समझ में आएगा तभी हम लोग इसको समझ पाएंगे, नहीं तो बीच से समझ में नहीं आता है। तो इसको समझने के लिए आप लोग पिछला वीडियो जाके देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, और एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। तो एनसीईआरटी पढ़िए, इसको देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, और आप लोग ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कीजिए। ऑब्जेक्टिव वाला एक बुक ले लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। तो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद ही ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा तो फिर हम क्वेश्चन से डर जाएंगे, और क्वेश्चन से डर जाएंगे तो फिर पढ़ने का मन नहीं होता है। तो इसका एक सिंपल फंडा, जिस तरह से मैथ को
फार्मूला समझ के बनाया जाता है, नहीं तो वो सॉल्व नहीं होता। उसी तरह से हिस्ट्री पढ़ने के लिए हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट समझना होता है, तभी वो क्लियर होता है। तो इसको आप लोग जाके देखिए पीछे और ध्यान से दो से तीन बार देखिए, और मैप के समझ में आने के बाद ये अच्छे से समझ में आता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।